हमारे पास आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर, जो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की भर्ती चल रही है, इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इस भर्ती का कमेंट में जवाब देना संभव नहीं था, तो इसलिए लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने इस पर एक वीडियो बनाई है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी भर्ती, पोस्ट 40,000। आपने देखा होगा 40,000 पोस्ट, ठीक है, सफाई कर्मी उत्तर प्रदेश। आप देखते होंगे यूट्यूब पर, इस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है, आपने देख लिया होगा। दूसरी बात, आपने गूगल पर भी सर्च किया होगा उत्तर प्रदेश सफाई कर्मी भर्ती 40,000, तो वहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये सच है या झूठ है, तो आपने ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है, क्योंकि हम इस वीडियो पर केवल सच दिखाते हैं और जो झूठ होते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं कि यह सच है या झूठ है, ठीक है। आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। देखिए, कई दिनों से ऐसा चल रहा है कि YouTube पर इस पर वीडियो बनाई जा रही है लगातार, किसी ने 6 महीने पहले बना रखी है, किसी ने 1 साल पहले बना रखी है, किसी ने 8 दिन पहले बना रखी है, बहुत सारी वीडियो है, ठीक है, YouTube पर, और Google पर भी बहुत सारी जो है वेबसाइट पर दिया गया है। देखिए, दरअसल मामला क्या होता है, ये जो भर्ती है ये 2015, जी हाँ, ये अखिलेश की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 2015 के आसपास की बात है लगभग। तो उस दौरान ये भर्ती की उन्होंने घोषणा की थी कि ये सफाई कर्मी की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो जब से लगा करके अब तक ये भर्ती नहीं आई, 2021 आ चुका है, ठीक है, इस दौरान ये भर्ती नहीं आई है। तो लोगों ने जो 2015 की न्यूज़ है उसको गूगल पर डाल दिया है, यानी कि वेबसाइट पर डाल दी है, और जो कि गूगल में रैंक कर रही है, आपको गूगल पर दिखाई देगा 40,000 की भर्ती। लेकिन अगर आप उसमें नोटिस करोगे तो उस पर, उस भर्ती पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो गूगल पर हर जानकारी सच नहीं होती है, गूगल पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी जानकारी अपलोड कर सकता है, ठीक है। गूगल एक विश्व में खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गूगल पर हर चीज़ सच नहीं होती है, कोई कुछ भी डाल सकता है। ऐसे ही यूट्यूब पर भी कोई भी जानकारी, सही जानकारी और कोई गलत जानकारी डाल सकता है, किस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वे आंकड़े पहले वाले दिखा देते हैं कि इस प्रकार ये देखो स्टेटमेंट आया हुआ है। तो इस प्रकार से गूगल पर कई प्रकार की स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे इस भर्ती के, लेकिन वे पुराने मिलेंगे 2015 के आसपास के, ठीक है, अखिलेश के टाइम के, तो और YouTube पर भी वही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी चल रही है, कुछ तो कह रहे आ गई है, फॉर्म ऐसे भरेंगे, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, तो ये 100% गलत जानकारी है। इसी प्रकार की अभी तक कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, ठीक है। YouTube पर और Google पर अभी भरोसा मत करें, क्योंकि लोगों ने डाल रखा है वेबसाइट बना बना करके, ठीक है। तो जैसे ही ये भर्ती आएगी इसकी सूचना हम आपको दे देंगे, ठीक है, जैसे ही वैकेंसी आएगी, अभी इसका कोई चांस नहीं है आने का, हो सकता है इलेक्शन से पहले आ जाए, लेकिन संभावना है, आ सकती है, श्योर नहीं है पक्का, ठीक है। तो जैसे ही ये भर्ती आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। हमारा मेन मकसद था आपको जो भ्रामक जानकारी, ठीक है, वो गलत जानकारी दे रहे हैं, उनसे अवेयर करना। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो YouTube पर इस प्रकार की वीडियो डाल रहे हैं और Google पर इस प्रकार की जानकारी डाली हुई है, कृपया इस प्रकार की जानकारी न डालें जो झूठी हो, ठीक है। आप सही प्रकार से जानकारी डालें ताकि लोग रास्ता ना भटके, मेरा काम था आपको अवेयर करना, ठीक है। अब उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, कुछ अवेयरनेस आपके अंदर आई होगी, ठीक है। तो जैसे ये भर्ती आएगी हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से सूचना दे देंगे, ठीक है, और टेलीग्राम में भी सूचना दे देंगे। और इस भर्ती की जो जानकारी है वो हमने स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, वैसे थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो इस भर्ती की जो जानकारी आई है, कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास हमने लिए हैं, वो पुराने हैं, ठीक है, वो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, क्लिक करिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
तो इस भर्ती की पूरी जानकारी जो है पहले वाली पुरानी वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी उसकी जानकारी मैं डाल रहा हूँ जस्ट अभी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।